दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक और नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आप किसी भी साबुन की गुणवत्ता को पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस साबुन को खरीद कर ला रहे हो उसी साबुन को आप अपनी त्वचा पर लगाने वाले हो। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जो साबुन आप अपनी त्वचा पर लगाने जा रहे हो वो साबुन कहीं आपकी त्वचा के लिए हार्मफुल तो नहीं है, या उसकी क्या क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों मैं काफ़ी लोगों को ये देखता हूँ कि जब मैं किसी भी दुकान पर साबुन लेने जाता हूँ तो मैं अगर कोई अंकल जी या कोई भाई मिलता है मुझे तो मैं उससे पूछता हूँ कि जो साबुन तुम ले रहे हो उसकी गुणवत्ता तुम्हें पता है कि आप कैसे इस साबुन को परचेज़ कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैंने इसका नाम सुना है और ये इसका प्रचार टीवी पर बार बार आता है तो इसलिए मैं इसको परचेज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आप केवल नाम सुन करके या बार बार प्रचार देख करके अगर आप किसी साबुन को परचेज करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे आप किसी भी साबुन की गुणवत्ता को पहचानेंगे। सही तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि साबुन की गुणवत्ता कैसे पता करनी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और आप जब भी अब से साबुन लेने जाएं तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्किन का सवाल है। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो को हम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो तरह के ये साबुन लिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो राइट हैंड में है ये है मेडिफेयर साबुन, और जो लेफ्ट हैंड में है ये है संतूर टोटल स्किन केयर साबुन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये पहचानना है कि कौन सा साबुन कितना गुड क्वालिटी का है और बैड क्वालिटी का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संतूर साबुन को किनारे रख देते हैं और बात करते हैं इस मेडिफेयर सोप के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि यार मेडिफेयर एलोवेरा सोप है, नाम सुना आपको लगा यार एलोवेरा मिल रहा है इसमें तो ये बहुत ही अच्छा साबुन होगा, ठीक है इसी से आप इसको खरीद लोगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले नाम पढ़ा, इंग्रेडिएंट देखा, अच्छा एलोवेरा मिल रहा है, अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने और इंग्रेडिएंट्स देखे, और सबसे मेन काम आपको क्या करना है, इसमें आपको TFM जो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है TFM आपको साबुन में सर्च करना है कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि जो ये हमारा साबुन है ये कितना गुणवत्ता वाला है, यानी कि ये गुड क्वालिटी का साबुन है या बैड क्वालिटी का साबुन है, ये इसी TFM से ही पता चलता है। ठीक है, अब TFM का मतलब क्या होता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर। ठीक है, और यहाँ पर आप अब अच्छे से समझिए कि इससे आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सी ग्रेड का है और कितना अच्छा है। तो यहाँ पर जो ये 76% लिखा हुआ है, ठीक है, यानी अगर 76% से ऊपर या 76% का अगर TFM है तो ये ग्रेड वन का साबुन है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप इसको पहचानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है गुड क्वालिटी का। अगर हम बात करें कि बैड क्वालिटी क्या होती है, यानी सेकेंड और थर्ड ग्रेड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉयलेट सोप ग्रेड 3 TFM 68%। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ जिसमें आपको अच्छे दिखे। हाँ देखिए, अब दिख रहा है ना आप यहाँ पर, तो ये देखिए लिखा टॉयलेट सोप ग्रेड थर्ड, ये ग्रेड थर्ड का है। ठीक है, इसमें 68% है, यानी अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिस सोप में TFM 76% से ऊपर होगा या 76% होगा तो ये ग्रेड वन का सोप होगा। ठीक है, और जिस सोप में
TFM 68% 70 से नीचे यानी 70% से नीचे अगर होगा TFM तो वो ग्रेड सेकेंड या फिर ग्रेड थर्ड की क्वालिटी में आएगा वो साबुन। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको पहचानना है किसी भी साबुन की गुणवत्ता को। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी तक केवल नाम सुन के या प्रचार देख करके केवल आप साबुन खरीदते थे तो अब आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। जब भी कोई भी साबुन आप खरीदें तो आप उसका TFM देख लें, अगर 76% से ऊपर का है तो वो ग्रेड वन यानी बहुत ही बढ़िया साबुन है, और अगर 70% यानी 70% से नीचे का अगर है तो वो सेकेंड या थर्ड ग्रेड का साबुन है। तो इस तरह से आप किसी भी साबुन की क्वालिटी को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं।